क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की हमारी फार्माकोलॉजी की मैराथन है, तो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो फार्माकोडायनेमिक्स है ये किस चीज से डील करता है? तो जो हमारा फार्माकोडायनेमिक्स है किस चीज से डील करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, जो फार्माकोकाइनेटिक्स है किस चीज़ से हमारा डील या इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो हम किसकी करते हैं? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक वर्ड सुना होगा आप सबने, ADME प्रोसेस, वही होता है ADME। ए का मतलब एब्जॉर्प्शन, डी का डाइजेशन, एम का मेटाबॉलिज्म और ई का एक्सक्रीशन। डाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद डाइजेशन ही होता है। तो ADME ऐसे याद कर लो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। याद रखने के लिए एक सीक्वेंस हो गया ना। इसके अंदर क्या है, ए से हम एब्जॉर्प्शन याद कर रहे हैं, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से एक्सक्रीशन। एक याद करने की ट्रिक भी मान सकते हैं कि वो भी है, मतलब नाम भी है, बहुत यूज होता है फार्माकोलॉजी के अंदर ADME। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज रिलेटेड टू, जो आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होती है क्या होती है, ये किसके अंदर होती है, ये किस चीज से रिलेट होती है? तो किससे? फार्माकोजेनेटिक्स, इससे रिलेट होती है। आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन सबको पता ही होगा, मतलब एक तरह से वही एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हैं किसी भी दवाई का, जो क्या है मतलब एक्सपेक्टेड ही ना हो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन, कोई भी ड्रग है वो किस रूट से ली जाए? रूट का मतलब क्या है, कैसे ली जाए? माउथ से ली जाए या उसे इनहेलर के रूप में लिया जाए या वेजाइनल थ्रू वेजाइना ली जाए या रेक्टम के द्वारा, एनिमा के द्वारा ली जाए, क्या उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा? तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ इस पर तो करेगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारे स्टमक में जाके अगर कोई मेडिसिन है हम ओरली ले रहे हैं, और हमारे केमिकल प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, अगर वो स्टमक में जाके क्या है एक तरह से डिनेचर्ड हो जा रही है या वहाँ क्या है मेटाबोलाइज हो रहा है, इनएक्टिव हो जाती है वहाँ जाके स्टमक में जाके उसका इफेक्ट ख़त्म, तो वो क्या है मतलब आगे कोई थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दिखा पा रही, तो ऐसी दवाई को हम ओरली नहीं ले सकते, ऐसे को हम क्या इंजेक्शन के द्वारा ले लेते हैं। इसका मतलब केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है। इसके अलावा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, हमें उसका एक्शन कहाँ चाहिए, ये टाइम ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, हमें टाइम कितने टाइम में चाहिए। कोई 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 ऐसी मेडिसिन है जिसका हमें तुरंत एक्शन चाहिए होता है, लेकिन अगर हम उसे ओरली ले तो बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए हम इंजेक्शन वगैरह का यूज़ करते हैं, तो सारे ही डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबलिंगल रूट इज यूज फॉर, एक सेकेंड बस, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलिंगल जो सबलिंगल रूट होता है ये किस लिए यूज होता है? आपने सुना होगा सबलिंगल रूट से जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है, बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। बाकी को देख लेते हैं, इनहांसिंग द ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन को इनहांस करने के लिए, रिड्यूसिंग द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, बाय पासिंग द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग। देखो इसका जो हमें मेन मकसद है, सबलिंगल रूट का मतलब क्या होता है, जो भी ड्रग है, एक तो जैसे सबलिंगल का मतलब होता है टंग के नीचे रख के कोई भी मेडिसिन का लेना, आपने सुना होगा आइसोसोर्बिट्रेट या सोर्बिट्रेट जो मेडिसिन होती है वो बिलो द टंग रख ली जाती है, इससे क्या आपने सुना होगा जो डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जब हम सबलिंगल इसको रखते हैं, यहाँ से सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है उसके अंदर मिक्स होके तुरंत वो सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होके हमारी बॉडी के अंदर माउथ से ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है या मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाती है, और उसे मतलब एक तो इसका टाइम ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, मतलब टाइम ऑफ एक्शन मतलब अगर वो स्टमक में जाती डिसइंटीग्रेट होती तब एब्जॉर्ब होती और यहाँ सीधा माउथ से ही हो गई, एक तो ये टाइम बचा, फास्ट हो गया इसका एक्शन।
दूसरा क्या है कि स्टमक में जाके मे बी एच सेल के द्वारा रिएक्ट करके क्या है मेडिसिन इनएक्टिव हो जाती है, तो इस चीज़ को भी बचाने के लिए तो इसलिए हम क्या है सबलिंगल का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है यही ऑप्शन आए पेपर में, लेकिन सबलिंगल आ सकता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई सबलिंगल क्या है और किस तरीके मेडिसिन से। नेक्स्ट है लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड है ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड किए जाते हैं। लार्ज वॉल्यूम मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी के फ्लूड है किसके द्वारा लिए जाएंगे हमें, तो इंट्रामस्कुलर रूट, सबकुटेनियस रूट या इंट्रावीनस रूट, तीनों ही क्या हमारे मतलब इंजेक्शन वाले रूट हैं, तो किसके द्वारा लिया जाता है आईवी रूट, इंट्रावीनस रूट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑयली इंजेक्शन इज प्रीफेबली गिवन बाय, जो ऑयली इंजेक्शन है वो किस रूट से दिए जाते हैं, तो ऑयली इंजेक्शन अधिकतर इंट्रामस्कुलर रूट से, ऐसा नहीं है बाकी रूट से नहीं देंगे, बाकी रूट से भी दे देते हैं लेकिन मोस्टली क्या है आई एम रूट से दिए जाते हैं, इन्हें शॉर्ट में बोल देते हैं एस सी रूट, आई एम रूट, आई वी रूट, तो पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच ऑफ दिस पेरेंट्रल, देखो अगर कहे कि रैपिड एक्शन के लिए हम कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमें ओरल मतलब लिखा हो टैबलेट हो, ओरल रूट है, एनिमल रूट है, पेरेंट्रल रूट है, तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे पेरेंट्रल रूट मतलब इंजेक्शन वाला, और अगर ये कह दे इंजेक्शन के अंदर भी सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा रूट है, तो यहाँ कौन सा होगा इंट्रावीनस, जो सीधा वीन्स में लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा आई वी रूट पेरेंट्रल के अंदर, बाकी सब में पेरेंट्रल सबसे हाई रूट होता है मतलब फास्ट। सुना होगा एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, तो एगोनिस्ट ड्रग क्या होती है, तो जो हमारी एगोनिस्ट ड्रग होती है ये क्या है मतलब बोथ एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्ले करती है, कौन एगोनिस्ट ड्रग हमारी, एफिनिटी का मतलब समझते हैं ना उनके साथ बाइंडिंग, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, थेरापूटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ, थेरापूटिक इंडेक्स किस चीज़ का रेशियो होता है टॉक्सिक डोज और थेरापूटिक डोज का, थेरापूटिक डोज एंड परसेंटेज रिस्पॉन्स का, टॉक्सिक डोज एंड परसेंटेज ऑफ टॉक्सिक रिस्पॉन्स का, किस चीज़ का जो हमारा थेरापूटिक इंडेक्स होता है किसका होता है टॉक्सिक डोज और थेरापूटिक डोज का रेशियो। अब दोबारा इसके अंदर हमें पता होना चाहिए थेरापेटिक क्या होता है, ऑप्शन कुछ भी आए हमें थेरापेटिक का मतलब पता होना चाहिए, कोई मेडिसिन है मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई 5 ग्राम मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट शो कर देती है, तो क्या है अब ये मेडिसिन है इसकी थेरापेटिक वैल्यू 5 है, तो अगर ये हम 5 से कम लेंगे तो इफेक्ट शो ही नहीं करेगी, अगर 5 से ज़्यादा लेंगे तो क्या टॉक्सिसिटी शो कर देगी, क्या शो कर देगी टॉक्सिसिटी शो कर देगी, तो हमें पता होना चाहिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक का मतलब क्या होता है वो मिनिमम अमाउंट किसी भी ड्रग की जिससे वो क्या कर दे अपना असर दिखाने स्टार्ट कर दे, वही क्या होती है थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है, थेरेप्यूटिक वैल्यू बोलते हैं, सही से क्या है थेरेप्यूटिक वैल्यू, मुझे उम्मीद है शायद समझ आया होगा, मैं दोबारा बोल दूँ वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो क्या है अपना इफेक्ट शो कर दे बॉडी के अंदर, इसे क्या बोलते हैं कि भाई ये इसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू है, और एज ग्रुप जेंडर और स्पीसीज के लिए सब में अलग होती है, मेल के लिए अलग थेरेप्यूटिक वैल्यू होगी, फीमेल के लिए अलग होगी, चाइल्ड के लिए अलग होगी, एडल्ट के लिए अलग होगी, ओल्ड एज पर्सन के लिए अलग होगी। नेक्स्ट है कोई भी ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, अगर कोई भी ड्रग है इसका एब्जॉर्प्शन किसके इसके पार्टिकल साइज पे, सीधी सी बात है अगर पार्टिकल साइज स्मॉल होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, पार्टिकल साइज बड़ा होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो हाँ इस पर तो डिपेंड कर रहा है। सोल्युबिलिटी, अगर हमारी मेडिसिन सोल्यूबल हमारे मतलब हमारी मेडिसिन क्या है ईजिली सोल्यूबल है तो जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा, अगर सोल्यूबिलिटी की लो है या स्लो है तो लेट में होगा। पीएच के अंदर है, अगर इसका पीएच हमारे मान लो स्टमक के अंदर इसे एब्जॉर्ब होना है, सॉरी स्टमक के अंदर इसे क्या है मतलब मेटाबोलाइज होना या डिसइंटीग्रेट होना है, तो अगर ये एसिडिक पीएच के अंदर होगी तो जल्दी स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट होगी,
जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। अगर इसका पीएच स्टमक के उससे उस पर मैच नहीं खाएगा तो डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगाएगी और क्या नाम लेट होगा इसका एब्जॉर्प्शन। प्रेजेंस ऑफ फूड, फूड की प्रेजेंस में फूड के साथ इजीली सोल्यूबल होगी तो जल्दी मतलब हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा एक ये भी होता है फूड का तर्क कि अगर कोई मेडिसिन है, समझने की कोशिश करना, ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे आपको पता है ये कुछ मात्रा में हमारा HCl वगैरह सब कुछ रहती है। एक तो हमने क्या है खाली मेडिसिन डाली इसके अंदर, वो क्या मेटाबोलाइज हो गई जल्दी। दूसरा क्या हमने पहले खाना खाया उसके बाद मेडिसिन ली, तो अब ये जो लिक्विड है इसे खाने को भी मेटाबोलाइज करना है, साथ में टैबलेट को भी करना है, तो इस केस में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फूड, अगर प्रेजेंस ऑफ फूड होगा स्टमक के अंदर फूड होगा तो इसे टैबलेट को मेटाबोलाइज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर खाली पेट होगा मतलब फूड एब्सेंट होगा तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, तो इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ भी क्या है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मेरी आवाज़ जहाँ तक क्लियर आ रही होगी, और बस हम करते हैं। कुछ भाई ने मुझे ये भी कहा था कि मतलब मैं थैंक यू बोलता हूँ ना कि आप अप्रिशिएट करते हो, और ये भी कह रहे थे कि सर आप बस बोल आप मतलब कोई भी टॉपिक है आप उसे बोल दो, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे तो एक तो हमारी लेंथ भी कम हो जाएगी वीडियो की और हम ध्यान से सुन लेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो उसे मैं लिखूँ, बाकी मैं क्लियर बोलने की कोशिश करूँगा और जितना भी होगा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमारा पेपर बस 16 तारीख को पेपर ही है, तो अब ये चलो बाद में बात करेंगे, इसकी फ़िलहाल पढ़ते हैं, इसके एंड में बात कर लूँगा, एक दो बातों करनी है वैसी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग होता है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, तो किस में होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है। देखो क्या लिखा है यहाँ, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर ये वर्ड अगेंस्ट ना होता तो यहाँ पैसिव आंसर आ जाता। अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ एनर्जी लगे आपकी, मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका लेकिन ठीक है, मैं नोट नहीं करूँगा लेकिन हाँ डायग्राम बनाने में इतना टाइम नहीं लगता इसलिए बना रहा हूँ। ये क्या दो कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा है, यहाँ क्या वाटर की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, ये वाटर मानना सब, ठीक है, ये क्या है वाटर, मैंने क्या यहाँ पे एक इस तरह ट्यूब लगा दी, इसके अंदर पानी था इतना, अब आप बताओ यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये वाटर यहाँ से यहाँ इधर मूव करेगा और एक लेवल ऐसा आएगा, जब पानी का लेवल क्या दोनों बीकर के अंदर सेम आ जाएगा, इस कंडीशन को तो इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी। तो ये क्या है पानी क्या है, कोई भी चीज़ है हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है, तो यही क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर मुझे ये करना हो कि यहाँ कम है, मुझे यहाँ से इधर भेजना हो अपना लिक्विड, तो मुझे भाई यहाँ कोई मोटर वगैरह लगानी पड़ेगी जो इधर से इधर पानी फेंकेगी, अपने आप तो पानी इधर से इधर नहीं जा सकता, ऐसे में एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ मैं, तो इस ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद समझ आया होगा। ये थैलिडोमाइड इफेक्टिव इन इनसोम्निया वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू, जो ये थैलिडोमाइड है इफेक्टिव होता है इनसोम्निया में, इनसोम्निया पता है ना नींद ना आने की कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनसोम्निया बोलते हैं। वाज डिस्कार्डेड, जो थैलेमाइड है, जो थैलेमाइड है इसे क्या इनसोम्निया के अंदर यूज तो होता था, इफेक्टिव होता है, लेकिन इसे यूज करते नहीं है, क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट शो होते हैं जब हम इन्हें यूज करते हैं ना थैलिडोमाइड को, तो क्या कुछ नेगेटिव इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट शो करता है,
एक तो होता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट तो वो होता है कि भी अगर तुम ये मेडिसिन लोगे तो आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, तो ये तो साइड इफेक्ट हुआ। टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं हमारे, ये क्या है, ये कह सकते हैं हम कि थोड़ा और अपर लेवल के इफेक्ट होते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट। अगर हम इसे डिटेल में जाएँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। टेराटोजेनिक का मतलब एक सीरियस हेल्थ कंडीशन हो जाती है। आइडियोसिनक्रेटिक रिएक्शन भी पता होगा आपको, जो जो आपने सोचे ना ऐसे इफेक्ट्स होना। टेराटोजेनिक का मतलब होता है कि फिलहाल मैं एयर शॉर्ट में यही बोलूँगा कि सीरियस मेडिकल कंडीशन तक की नीड हो जाती है किसके अंदर, टेराटोजेनिक इफेक्ट के अंदर, इसलिए हम इसे क्या यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज, एक सेकेंड, हाँ वापस आ गया मैं। द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो एसिटाइल कोलिन है इसका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है इसके ऊपर कैसा एक्शन होता है, तो ये क्या होता है स्टिमुलेटरी एक्शन, मतलब ऐसे स्टिमुलेट करने में स्टिमुलेट करता है। कुल मिला के जो एसिटाइल कोलिन है एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जो हमारा एट्रोपिन है ब्लॉक द मस्कुराइनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एट्रोपिन क्या करता है ब्लॉक कर देता है, क्या मस्कुरेनिक एक्शन होता है ना एसिटाइल कोलिन का, कैसे, केमिकल एंटागोनाइज कर देता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनाइज, फंक्शनल एंटागोनाइज या साइकोलॉजिकल एंटागोनाइज, सॉरी फिजियोलॉजिकल। तो क्या कॉम्पिटिटिव एंटागोनाइज या एंटागोनिज्म की उससे क्या इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है मस्कुरेनिक एक्शन को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज कार्बामेट इज यूज इन ग्लूकोमा, कौन सा कार्बामेट है जो क्या मेनली हम ग्लूकोमा के अंदर क्या करते हैं यूज करते हैं। तो आपने सुना होगा ग्लूकोमा के अंदर हम कार्बामोल को भी और पिलोकार्पिन को भी क्या यूज करते हैं, ये भी यूज होता है, तो इसके बहुत अन समान क्या। विच वन ऑफ दीज एल्कलॉइड इज यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी, किसी किसी ऑप्शन में दो आंसर भी हो जाते हैं तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो पेपर के अंदर दो आंसर नहीं आते, अगर दो आंसर आते भी हैं तो उसके फिर वो नंबर देंगे, सबको देंगे, तो ऐसा चिंता करने की कभी कोई बात नहीं है। तो विच वन ऑफ दीज एल्कलॉइड इज यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी, कौन सा एल्कलॉइड है जो क्या ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर यूज होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब हमारी जो आईज की प्रिपरेशन है उसके अंदर, तो पिलोकार्पिन या पिलोकार आपने सुना होगा कॉमनली यूज होती है। पेरिनोम इज अ कॉमन ब्रांड नेम ऑफ, जो पेरिनोम है इसके नाम से जो मेडिसिन आती है इसका कॉमन मतलब ब्रांड नेम क्या है, मेटोक्लोप्रोमाइड। द मेन यूज ऑफ एसराइन इज, जो एसराइन है या एजिराइन है इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, ये आई डिजीज के अंदर या ग्लूकोमा के अंदर यूज होता है। न्यूस्टिग्मिन ये किस चीज में यूज होता है हमारा, न्यूस्टिग्मिन बहुत ही फेमस नाम है किसके अंदर, मिस्थेनिया या माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक हाँ, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट DFP कोज, ये क्या कोज करता है हमारा, क्या DFP ये क्या करता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कोलिनिस्ट्रेज, जो कोलिनिस्ट्रेज है इसका इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब वापस रिवर्स नहीं हो पाने का,
इनिबिशन का मतलब होता है रोकना, कोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम है इसके फंक्शन को रोक देता है और वापस इरिवर्सिबल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज एंटी कोलिनर्जिक पोजेस डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन CNS। ये कह रहा है कौन सा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या है, एक डिप्रेसेंट इफेक्ट मतलब उसे दबाने का इफेक्ट करता है। तो ये कौन है, हायोसिन, CNS डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, CNS को सुना होगा कॉमनली CNS डिप्रेसेंट भी बोलते हैं। एंटी मस्कुरेनिक एजेंट प्रोड्यूस इन आई, जो एंटी मस्कुरेनिक एजेंट है जो आई में वो होता है प्रोड्यूस इन आई, ये क्या है हमारा, माइड्रेसिस एंड साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया ये क्या है, मतलब ये पैरालिसिस ऑफ यूज होता है इन किसके अंदर, पैरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स। पैरालिसिस प्यूपिल डायलेशन में भी। यहाँ भी क्या यूज होता है ये हमारा मतलब बोलते ज़्यादा चलेंगे, थोड़ा लिखना थोड़ा कम ही रखेंगे नहीं तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी। नोर एपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। जो नोर एपिनेफ्रिन है आपको पता होगा एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर, सॉरी हाँ किडनी के ऊपर ही होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी किडनी के ऊपर, इसके अंदर एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन हमारे हार्मोन्स निकलते हैं। तो इनके स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होता है, तो इनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है हमारा, फिनाइल एलेनाइन। कैटाकोलामाइन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एंजाइम। तो कैटाकोलामाइन है किस एंजाइम के द्वारा क्या मेटाबोलाइज हो जाता है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेज, मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, हाइड्रोक्सीलेशन या ऑल ऑफ द अबव, किसके द्वारा हो जाता है, तो MAO भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मोनो एमाइन ऑक्सीडेज। ये जो कैटाकोलामाइन है क्या डोपामाइन देखते मतलब डोपामिन एड्रिनल ग्लैंड से जो उसके अंदर इफेक्ट मतलब डोपामिन सिक्रीशन करता है या उसे मेंटेन रखता है। विच वन ऑफ दीज इज अ इनडायरेक्ट एक्शन एक्टिंग एड ये विच वन ऑफ दीज इज अ इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग। इसके अंदर से कौन सी क्या इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रिनर्जिक ड्रग है, ये फिनाइल एफरीन, एफिड्रीन, आइसोप्रिनलिन या एम्फेटामाइन एंड एफिड्रीन, कौन सी है इसके अंदर से हमारी, ये तो एम्फेटामाइन एंड एफिड्रीन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, Which one of the adrenergic drug increase the force of contraction without increasing the heart rate? कौन सा adrenergic drug है जो increase the force of contraction, जो contraction है इसकी force को बढ़ा देता है लेकिन heart rate को क्या नहीं बढ़ाता, तो ऐसा कौन सा होता है हमारा, Dobutamine। ये क्या contraction को बढ़ा देगा लेकिन heart rate नहीं बढ़ाएगा। Ergotamine is used in migraine because it causes ergotamine है migraine के अंदर use होता है, क्यों ये क्या करता है, ये vasoconstriction, it perform vasoconstriction जो भाई constrict कर देता है भाई जो veins वगैरह इनको migraine में headache में, और हमारी यहाँ क्या use होता है अगर blood vessels narrow जाती है तो उसके अंदर भी इसका use करते हैं ताकि क्या कर दे मतलब सॉरी जब डायलेट उन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करने में यूज होता है, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना।
तो कहाँ कहाँ यूज होता है? माइग्रेन में, हेडक में, और हमारा ब्लड वेसल्स को नैरोइंग करने में भी क्या इसका यूज होता है? जनरल एनेस्थेटिक इज यूज्ड बिकॉज इट इज कॉज जनरल एनेस्थेटिक यूजफुल होता है बिकॉज इट कॉज क्योंकि ये क्या कॉज करता है हमारा? बिकॉज इट कॉज मसल रिलैक्सेंट एंड अनकॉन्शियसनेस। आपने सुना होगा जो ये जनरल एनेस्थेटिक होते हैं क्या करते हैं? अनकॉन्शियसनेस ला देते हैं, मतलब क्या है, इंसान की सुध-बुध गायब कर देते हैं। इसके अलावा भाई मसल्स को मसल रिलैक्सेंट का काम भी करता है जनरल एनेस्थेटिक। नेक्स्ट, अमंग स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक सेकेंडरी स्टेज इज कॉल्ड, जो जनरल एनेस्थेटिक है इनकी सेकेंडरी स्टेज क्या होती है हमारी? ये एनाल्जेसिया एक्साइटमेंट, एनाल्जेसिया एंड एक्साइटमेंट या सर्जिकल एनेस्थेसिया। तो क्या होती है हमारी? एक्साइटमेंट। इसके अंदर क्या है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। CIOUSNE SS। लॉस ऑफ इनकॉन्शियसनेस और इरेगुलर हार्ट बीट सेकेंडरी स्टेज एनेस्थेटिक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज बारबिट्यूरेट इज यूज्ड इन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। कौन सा बारबिट्यूरेट है जो क्या है इंट्रावेनस एनेस्थेटिया एनेस्थीसिया के रूप में क्या है दिया जाता है? तो कौन सा होता है हमारा? थियोपेंटिन। ये क्या है? मतलब इंट्रावेनस एनेस्थेटिया के रूप में दिया जाता है। बाकी देख लो, जो हमारा फिनोबारबिटोन है क्या एपिलेप्सी और सीजर्स वगैरह में यूज होता है। जो बारबिटोन है क्या होता है हमारा? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है। पता होगा ना, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो बारबिट्यूरेट लॉन्ग एक्टिंग होता है। और थियोपेंटेन हमें पता लग गया ये इंट्रावेनस एनेस्थीसिया है। विच वन ऑफ दिस इज नॉन बारबिट्यूरेट यूज्ड फॉर पेडियाट्रिक एनेस्थेटिक। इसके अंदर से कौन सा नॉन बारबिट्यूरेट है लेकिन कैसे यूज होता है पेडियाट्रिक एनेस्थेटिक? मतलब पीडियाट्रिक पता होगा बच्चों के लिए, उनके एनेस्थेटिक रूप में यूज होता है। तो क्या होता है हमारा? कैटामाइन। बारबिट्यूरेट कंटेनिंग नहीं होता। क्लोरप्रोमाजीन इज गिवन बिफोर एनेस्थीसिया। क्लोरप्रोमाजीन को क्या एनेस्थीसिया देने से पहले दिया जाता है, क्यों? ये ऐसा क्या करता है? एलिवेट प्रोपरेटिव एंजाइटी। जो फ्लो प्रोपरेटिव एंजाइटी है उसे क्या कर देता है? थोड़ा कम कर देता है, ये कह सकते हैं उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करता है, या उसे मतलब एक तरह से बैलेंस करता है। कम नहीं कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। बारबिट्यूरेट कॉज डेथ एट टॉक्सिक डोज ड्यू टू। वो जो बारबिट्यूरेट है अगर एक एक थेरेप्टिक वैल्यू से ज़्यादा लेना स्टार्ट करे तो एक टॉक्सिक वैल्यू भी आ जाती है। मैंने से पहले बताया था ना ये 5 mg है, इससे कम लेंगे तो शो ही नहीं होगी वैल्यू, इससे ज़्यादा लेंगे तो टॉक्सिक वैल्यू हो जाएगी। अब ऐसे नहीं है 5.5 ले लिया तो टॉक्सिक वैल्यू आ जाएगी, 5 से 10 तक थेरेपिटिक वैल्यू दिखाएगा, 10 के बाद से टॉक्सिक वैल्यू स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं जस्ट बाद से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ये हम टॉक्सिक लेवल पे लेंगे बारबिट्यूरेट तो क्या होगा? कार्डिक अरेस्ट हो जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो याद रखना मैक्सिमम मौतों का कारण क्या होता है? रेस्पिरेशन सिस्टम का डिप्रेस हो जाना। विच वन ऑफ दीज ये हाइपनोटिक ड्रग कैन बी इंजेक्टेड बाय रेक्टल रूट। कौन सी ऐसी ड्रग है जो क्या है रेक्टल रूट के द्वारा दी जाती है? तो याद रखना है दोनों, इनके दोनों के एनिमा आते हैं, पैराल्डिहाइड और क्लोरल हाइड्रेट। इसका भी एनिमा आता है, इसका भी। ये टेबलेट फॉर्म में भी मिल जाती है लेकिन ये एनिमा में मिलती है। इसके वैसे आंसर दोनों ठीक होंगे, पेपर में आपको कोई एक ही मिलेगा, तो चिंता नहीं करनी। सैलिसाइलेट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। सैलिसाइलेट क्या है? किस चीज़ के सिंथेसिस को कम कर देती है? हिस्टामिन के, ब्रैंडिकैनिन के, प्रोस्टाग्लैंडिन के, किस चीज़ के? तो किसके? प्रोस्टाग्लैंडिन के।
के सेक्रेशन को क्या कर देती है, कम। पैरासीटामोल इज हिपैटोटॉक्सिक, जो पैरासीटामोल है हिपैटोटॉक्सिक। अब हीप से मतलब क्या समझ गए, हैपा मतलब लीवर, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक, लीवर के लिए टॉक्सिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पैरासीटामोल है, इसके मेटाबोलाइट की वजह से, या पैरासीटामोल एंड इट्स मेटाबोलाइट, इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से। आपको पता होगा लीवर ही तो हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है, सब चीज़ को डिसइंटीग्रेट वगैरह यही करता है, तो मैक्सिमम मेडिसिन का इफेक्ट भी कहाँ पड़ता है, लीवर भी पड़ता है। द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ नसेड, जो नसेड्स हैं इनका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, गैस्ट्रिक अपसेट, पेट खराब कर देगी आपका। नसेड का मतलब क्या होता है, नोन, एस से स्टेरॉयडल, ए से एंटी, आई से इन्फ्लामेटरी ड्रग। दोबारा सुन लो, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखेंगे तो फिर टाइम जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। हमने चार बार बोल दिया, अगर हम लिखना चाहते तो अब तक दो ही शब्द लिख पाते इसके। सुगेंड्रिल इज अ कॉमन ब्रांड नेम, जो सुगेंड्रिल है इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या होता है, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। इसी ये किस नाम से आती है, सुगेंड्रिल के नाम से आती है। ये सब क्या है, ये इसका नाम तो ये हो गया, बाकी जितनी भी मेडिसिन है ये सब किस कैटेगरी की है, नसेद। अब वो वाला नसेद नहीं है, कोई सोच रहा है, नसेद अलग होती है, मतलब एक नसेद से हिंदी का वर्ड है, ये वाला नसेद है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ ए सिंगल डोज ऑफ वन ऑफ दीज इज सफिशियंट, लॉन्ग हाफ लाइफ होने के कारण किस चीज़ का एक सिंगल डोज ही क्या होता है, सफिशियंट होता है। डाइक्लोफेनिक का, कैटोरोलैक का, या मेफिनामिक एसिड का, या पाइरोक्सिकैम का, किसका, तो किसका, हमारा पाइरोक्सिकैम का। एक सिंगल डोज ही क्या होता है, मतलब इनक होता है, क्योंकि इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, अच्छा खासा होता है, तो पाइरोक्सिकैम। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, जो गाउट है, गाउट सबको पता है ना, एक हम कह सकते हैं बोन से रिलेटेड बीमारी है, जोड़ों में दर्द वगैरह, अर्थराइटिस वगैरह में जो गाउट है, इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं, तो बहुत कॉमन है क्या, एलोपीरिनोल, मेफिनामिक वगैरह पेट दर्द के बराबर में, ये सल्फा ड्रग है, ये पाइरोक्सिकैम है, पढ़ लिया ना उन्हें, ये सब पाइरोक्सिकैम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हम, पाइरोक्सिकैम तो भी ऊपर ही पढ़ का है। विच वन ऑफ दीज इज म्यू एगोनिस्ट, पैथेडीन, नेलोरफिन, कोडीन, क्या, तो ये हमारा कौन सा होता है, पैथेडीन। मोरफिन कंटेनिंग होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, साथ में सेडेटिव। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाला, सेडेटिव मतलब सेडेटिव कह सकते हैं हमारे जो बॉडी है उसे कूल डाउन करना, या हमारे सीएनएस सिस्टम को डिप्रेस करना। जो नेलोरफिन है ये क्या है हमारा, ये ओपोइड एगोनिस्ट होता है और एंटीडोट की तरह यूज होता है। और कोडीन का तो सबको पता ही है ना, कोडीन फॉस्फेट नशे वाला। फोर्टविन इज अ कॉमन ब्रांड नेम, अब जो फोर्टविन है किस चीज़ का कॉमन ब्रांड नेम है, तो पेंटाजोकाइन, इसका क्या है, कॉमन ब्रांड नेम है हमारा। जो हमारा फेंटेनाइल है क्या है, ओपोइड कंटेनिंग ड्रग है, पेन के लिए यूज होता है। ये मीथोडेन है, ये भी ओपोइड है, ओ मतलब पेन के लिए, ओपोइड कंटेनिंग। डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सीफेन, ये क्या है हमारा, ये भी क्या है, एनाल्जेसिक है, ओपोइड एनाल्जेसिक। इन एल्कोहोलिज्म विच वन ऑफ दीज ड्रग इज यूज, एल्कोहोलिज्म के अंदर कौन सी ड्रग क्या यूज होती है, डाइसल्फिराम, ये मिथेनॉल, बारबिट्यूरिक एसिड, या क्या, तो क्या, डाइसल्फिराम। क्लोरप्रोमाजीन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, जो क्लोरप्रोमाजीन है किस चीज़ के ट्रीटमेंट में दी जाती है, तो वही दौरे पोरे आने में, मतलब सीजनोफीरिया। इस्टमेंटल इज अ कॉमन ब्रांड नेम, बहुत ज़्यादा कॉमन है तो इस्टमेंटल, ये क्या हमारा, ये प्रोक्लोर पैराजीन।
नोजिया वोमिटिंग माइग्रेन के अंदर बैलेंस प्रॉब्लम जो बैलेंस प्रॉब्लम नहीं होती इन सब के अंदर यूज़ होती है मोस्टली क्या है नोजिया वगैरह के अंदर भी यूज़ होती है। जो पेपराजीन वगैरह ये क्या है हमारी ये एंटी साइकोटिक ड्रग है दिमाग की इंस्ट्रूमेंटल भी दिमाग की होती है ऐसी बात नहीं कि दिमाग की ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। लगभग आधे के करीब ही आ गए। मसल रिलैक्सेशन इज सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ जो मसल रिलैक्सेशन है ये किस चीज़ का सेकेंडरी इफेक्ट होता है क्या मसल रिलैक्सेशन का तो ये क्या होते हैं हमारे बेंजोडाइजापीन्स। इनका मतलब मेन फंक्शन क्या होता है ये सेडेटिव होते हैं। सेडेटिव मतलब दो वर्ड होते हैं ना सेडेटिव और हिप्नोटिक। सेडेटिव होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स कर दे हमारे मसल्स को रिलैक्स कर दे हमारे CNS को डिप्रेस कर दे। हिप्नोटिक जो नींद लिया है तो ये हो गया रेजरबाइन तो BP वगैरह में यूज़ होता है। और जो हमारा ब्यूटाइरोफिनोन है ये कहाँ यूज़ होता है हमारा एंटी साइकोटिक मतलब वही दिमाग वाला। और जो हमारा ये है फिनोथाइजिन ये भी क्या एंटी साइकोटिक और सीजनोफीरिया वगैरह कंडीशन में क्या यूज़ होता है। अगर मैं लिखूँ इसे तो फिर अगर मुझे वीडियो की लेंथ बढ़ानी हो सीधा क्या यहाँ लिखने बैठ अब मैं लिख अब लास्ट टाइम है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ नहीं तो मैं ज़रूर लिखता लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए। जो हमारा ये है पेंटोथाइजिन है ये क्या हमारा एंटी साइकोटिक है सीजनोफीरिया में यूज़ होता है। फिर अगला लिखते हैं हम इसके अंदर क्या ये भी एंटी साइकोटिक है ये ट्रीटमेंट ऑफ BP हाई BP। और बेंजोडाइजेपिन इसका सेकेंडरी तो मसल रिलैक्सेंट है प्राइमरी फंक्शन क्या है सेडेटिव। इसका क्या है प्राइमरी फंक्शन है स्लो डाउन द बॉडी एंड ब्रेन फंक्शन इसी क्या बोलते हैं सेडेटिव। तो लिख नहीं रहा हूँ मैं लेकिन बहुत सारी चीज़ रहा हूँ तो कोशिश करूँगा कि मतलब आपसे यही जो भी क्या बोलते हैं उसे दरख्वास्त बोलते हैं क्या बोलते हैं जो भी है वो करूँगा कि अगर मतलब आप थोड़ा सा या तो नॉर्मल पे ही क्योंकि नॉर्मल पे कम देखते हैं सब फास्ट करके देखते हैं वीडियो तो या तो नॉर्मल पे सुन लेना है थोड़ा सा स्लो करके देख लेना। जैसे मैं नाम बताऊँ तो तुरंत ही स्लो करके देख ले तो फिर दोबारा अपना नॉर्मल पे देखने लगे ये जैसे आपको समझ आए वैसे देख लेना। वो तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है किसी को फास्ट में भी समझ आ जाता है और वो इसका प्रॉब्लम है तो हो सकता है फास्ट में किसी को समझ ना आए। ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक्ट बाय जो ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है ये कैसे एक्ट करती है ब्लॉकिंग द रेपटेक ऑफ नोरएपिनेफ्रिन जो नोरएपिनेफ्रिन है इसके इसको ब्लॉक करके पार्किंसन डिजीज के अंदर मतलब पार्किंसनिज्म देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ पार्किंसन के अंदर किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो किसकी होती है डोपामाइन की। बाकी इसके बाद तुरंत नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर से देखेंगे क्वेश्चन अभी तो नहीं है।